हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले वाले सेशन में हमने देखा कि जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअली। इन दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। इसके साथ साथ पिछले वाले लेसन में ही हमने देखा कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर होता है वो कैसा होता है, और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और हर किसी पार्ट का जो फंक्शन है वो हमने इल्यूस्ट्रेट किया। और साथ साथ हमने देखा कि जो फ्लावर्स होते हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दे कैन बी बाइसेक्सुअल और दे कैन बी यूनिसेक्सुअल। तो आज हम थोड़ा एक कदम आगे जाएंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो वी विल ट्राई टू टेक द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट फर्स्ट। तो बेटा, मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है उसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा फंडा समझना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन एंजियोस्पर्म्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, यू हैव मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट्स, और फिर उनका यूनियन नेसेसरी होता है। तो जो आपका मेल गैमेट होता है वो होता है स्पर्म, और जो आपका फीमेल गैमेट होता है दैट्स कॉल्ड एग। तो जैसा हमने पिछले वाले सेशन में देखा कि जो आपका मेल पार्ट होता है फ्लावर का इट इज कॉल्ड एंड्रोशियम, और ये स्टैमन का बना हुआ होता है। एंड स्टैमन में दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका अपर स्वोलन पार्ट होता है जिसे हम एंथर कहते हैं, सिलेंडर सपोर्टिंग पार्ट होता है उसे हम फिलामेंट बोलते हैं। तो फर्टाइल पार्ट तो ये एंथर ही होता है, इसी में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो मॉडिफाई होके पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, और पोलन ग्रेन से फिर आते हैं स्पर्म्स या मेल गैमेट्स। इसीलिए हम पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट बिकॉज इट बियर्स द स्पर्म्स और द मेल गैमेट्स। अब वो प्रोसेस जिससे एंथर में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके पैरेलल में अगर हम एग की बात करें तो एग एक फीमेल गैमेट है। तो चूंकि एग एक फीमेल गैमेट है तो ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर में बनेगा, और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन होता है? कार्पल। कार्पल में भी तीन पार्ट्स होते हैं, आपका स्टिग्मा होता है, फिर ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक मिडिल पार्ट इसको हम स्टाइल बोलते हैं, और फिर ये स्वोलन बेसल पार्ट इसको हम ओवरी बोलते हैं, और ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स में होती है एम्ब्रियो सैक, और उसी एम्ब्रियो सैक में बनता है एग। क्योंकि ओव्यूल का वो पार्ट जहाँ पे एग्स या फीमेल गैमेट्स बनते हैं एम्ब्रियो सैक होता है, इसीलिए हम एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और बेटा, ये जो एम्ब्रियो सैक है इट कम्स फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। तो वो प्रोसेस जिससे मेगास्पोर्स बन जाते हैं इन फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बेटा, इन नटशेल जो आपका एंथर है यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू पोलन ग्रेन्स जिन्हें हम मेल गैमेटोफाइट्स भी बोलते हैं, और पोलन ग्रेन से आ जाएंगे स्पर्म्स जो मेल गैमेट्स है। और फिर बात करेंगे यहाँ फीमेल पार्ट की, तो यहाँ पे बन जाएंगे बाय मीन्स ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर्स, और एक फंक्शनल मेगास्पोर देगा हमें एक एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में हमें मिलेगा एग या फीमेल गैमेट। प्लांट का जो मिशन होता है वो होता है स्पर्म को इस एग के साथ मिलाना, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन विच ऑकर्स ओनली आफ्टर जो पोलन ग्रेन यहाँ पे है, पहले उसे यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होना है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बाद फिर बाकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, ये जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल से फोकस नहीं कर रहे, तो फाइन डिटेल्स है रिप्रोडक्शन की और एम्ब्रियोलॉजी की वो हम एक सेपरेट कोर्स में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन इस वाले कोर्स के लिए इतनी डिटेल्स काफी है। तो बेटा, अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो एज ऑलरेडी सेड कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होती है दिस प्रोसेस ऑकर्स इन द स्वोलन पार्ट ऑफ स्टैमन जिसे हम एंथर के नाम से पुकारते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्वियसली कि जो एंथर यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें दो लोब्स हैं, लेकिन एंथर्स में वेरिएशन हो सकती है, समटाइम्स यू कैन सी एंथर्स विच आर सिंगल लोब्ड। ऐसे एंथर्स जहाँ पे दो लोब्स हो को हम बोलते हैं बायथीकस, और वो एंथर्स जहाँ पे एक ही लोब हो को हम बोलते हैं मोनोथीकस एंथर्स। तो यहाँ पे ये याद रखना बहुत ही आसान है, बाय मीन्स टू यानी टू लोब्स,
एंड मोनो मीन्स वन, यानी वन लोब। एक टिपिकल एंथर लोब में दो एंथर सैक्स होती है, दो लोब एंथर है तो वहां पे कुल मिला के चार एंथर सैक्स होंगी और ऐसे एंथर को हम बोलेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट। वंस अगेन इजी टू रिमेम्बर, टेट्रा मीन्स फोर। इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करें, कंसिडर कि हमने यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया इस एंथर का, तो एंथर जो है वो रफली ऐसा दिखेगा। इसका लोब वन है और ये लोब टू है, तो लोब वन में कुल मिला के एक और दो एंथर सैक्स, और यहाँ पे ऐसे ही लोब टू में एक और दो एंथर सैक्स है। इन सैक्स में होते हैं पोलन ग्रेन्स, तो इसलिए हम इनको पोलन सैक्स के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो बेटा थोड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसको थोड़ा और मैग्निफाई करता हूँ इस ट्रांसवर्स सेक्शन को। तो चलिए मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे टिपिकल एंथर का टीएस। बेटा यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि मैंने यहाँ पे एक मैच्योर एंथर का टीएस ड्रॉ किया है तो ये सिखाने के लिए कि कैसे डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर्स का। लेकिन आपको ये जहन में रखना है कि माइक्रोस्पोर जो डेवलपमेंट उनकी होती है या फिर जो माइक्रोस्पोरजेनेसिस की प्रोसेस होती है, इट ऑकर्स साइमल्टेनियसली विद द डेवलपमेंट ऑफ एंथर। चलिए मैं पहला लेयर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सो द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, साथ साथ ही मैं कोशिश करूंगा लेबल करने की। सो इट इज एपिडर्मिस। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग्स, तो आई होप कि आपकी जो ड्राइंग होगी इट विल बी बेटर देन माई ड्राइंग, क्योंकि बेटा अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपका जो ड्राइंग सेंस है वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हमारा दूसरा लेयर आता है इनसाइड द एपिडर्मिस, इसे हम बोलते हैं एंडोथीशियम। तो ये एंथर का दूसरा लेयर हो गया जिसे हम बोलेंगे एंडोथीशियम। पहले कि हम बाकी लेयर्स को ड्रॉ करें, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा एक लोब है, ये दूसरा लोब है, तो इन दो लोब उसको कनेक्ट करता है एक टिश्यू जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सराउंड करता है वास्कुलर स्ट्रैंड को, एंड यू नो वास्कुलर स्ट्रैंड का फंक्शन क्या है, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। बेटा अब एंडोथीशियम के अंदर और कुछ लेयर्स होते हैं जिन्हें हम पुकारते हैं मिडल लेयर्स के नाम से। हाँ, तो चलिए इन मिडल लेयर्स को भी लेबल करते हैं, दीज आर द मिडल लेयर्स। अब यहाँ मिडल लेयर्स के अंदर ये वाला लेयर है, यहाँ पे पहले वाले में, अब दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, अब यहाँ पे चौथे वाले में। अब यहाँ पे डिमार्केशन थोड़ी हो रही है, तो इस वाले लेयर को हम बोलते हैं टैपिटम। एंड टैपिटम यू नो इसका एक न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारी फंक्शंस हैं जो हमें आगे पता चलेगा। इस टैपिटल लेयर के अंदर अब ये जो ये वाले सेल्स हैं टिश्यू बनाता है, एंड दिस टिश्यू वी कॉल बाय द नेम ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। तो लेट्स लेबल दिस टू, दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू। बेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होता क्या है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू की कुछ सेल्स होते हैं दे आर डिस्ट्रॉयड और दे आर कंज्यूम्ड बाय अदर सेल्स, और यहाँ पे बच जाती हैं कुछ सेल्स या फिर कुछ सेल स्पेशलाइज हो जाती हैं इन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को थोड़ा मैग्निफाई करता हूँ, तो लेट्स टेक इट ओवर हियर। यहाँ पे टैपिटल लेयर होगा, उसके अंदर अब कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं, कुछ सेल्स कंज्यूम हुई है, कुछ ग्रोथ रिटार्ड हुई है, और कुछ सेल्स डिस्टिंग्विश हुई है फ्रॉम अदर सेल्स, और उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और सिंपली MMCs इन शॉर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो MMC है डज इट बिलोंग टू स्पोरोफिटिक फेज और डज इट बिलोंग टू द गैमेटोफिटिक फेज, व्हाट विल बी योर आंसर? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम होगा स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो वहां पे हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है इन एंजियोस्पर्म्स। चलिए ये हम यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। सी MMC या फिर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, इट बिलोंग्स टू द स्पोरोफिटिक फेज लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। यू नो एंजियोस्पर्म्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक फेज। जो आपका स्पोरोफिटिक फेज होता है इट इज डिप्लॉयड एंड डोमिनेंट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। MMC की फिर मियोसिस होती है, एंड यू नो मियोसिस से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर होता है, इट इज हाफ्ड। तो MMCs से जो सेल्स बनेंगी या फिर जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे दे विल बी हैप्लॉयड एंड दे विल अल्टीमेटली गिव राइज टू पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन ग्रेन विल ऑल्सो बी हैप्लॉयड। तो ये भी पता है कि पोलन ग्रेन से ही हमें मेल गैमेट्स मिलते हैं, सो दिस इज द गैमेटोफिटिक
फेज। गैमेटोफाइट यहाँ पे डिपेंडेंट होता है ऑन स्पोरोफाइट, दैट मीन्स इट इज नॉट डोमिनेंट। तो ये वाली बात आप याद रखना, क्योंकि हमें काम आ जाएगी जब हम पढ़ेंगे स्पोरोफिटिक सेल इनकम्पैटिबिलिटी। तो यहाँ पे बेटा लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो यहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल को मैं यहाँ निकालता हूँ, सो इट इज डिप्लॉयड टू एन। इसमें हो जाएगी मियोसिस, और मियोसिस से यहाँ पे चार सेल्स बन जाएंगी जो हैप्लॉयड होंगी, और ये चार की चार सेल्स एक दूसरे से जुड़ी होंगी बाय मीन्स ऑफ व्हाट वी नो एज कैलोस। तो कैलोस एक पॉलीसेक्राइड है जो एक्ट करता है एज ए सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन दीज सेल्स, इनको जोड़े रखने के लिए। तो जो पोलन सैक है जो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसका जो टैपिटल लेयर है उसके अंदर अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स नहीं है बल्कि ए वाले स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में चार सेल्स जुड़ी है एक दूसरे के साथ। वी कॉल देम टेट्रैड्स, और मोर स्पेसिफिकली माइक्रोस्पोर टेट्रैड्स। तो अब ये पोलन सैक जो है यहाँ पे अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स नहीं है बल्कि पोलन टेट्रैड्स है, लाइक दिस। यहाँ पे आप एक और बात जहन में रख लीजिए कि ये जो पोलन टेट्रैड की शेप मैंने यहाँ पे दिखाई है, इट्स नॉट ऑलवेज द केस। इस पोलन टेट्रैड कैन टेक मेनी शेप्स डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंटल पैटर्न, लेकिन यहाँ पे आने के लिए मैंने ये वाली शेप दिखाई। तो चलिए ये तो हो गया ये, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कैलोस की वजह से ये सेल्स जुड़ी हुई है। तो अभी प्लांट चाहता क्या है, ये चाहता है कि जो कैलोस है somehow it must get destroyed, ये जो कैलोस है it must get destroyed, और जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये अलग अलग होने चाहिए। कैपिटल लेयर है, यहाँ से एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है कैलेस। ये कैलेस क्या करता है, ये इस कैलोस को डिस्ट्रॉय करके इन माइक्रोस्पोर्स को रिलीज करता है। तो अब यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्रैड्स भी नहीं है बल्कि कैलेस की वजह से, जो कैलेस टेपिटम से आया, हमारे पास अब माइक्रोस्पोर्स हैं विद इन द टेपिटम। यहाँ पे आपने देखा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर्स आ गए या फिर चार फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स आ गए, बट इट वोंट बी द केस व्हेन वी स्टडी मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हम यहाँ तक पहुँच गए कि अब ये टेपिटल लेयर जो है इसके अंदर अब माइक्रोस्पोर्स हैं, बट सिटल अभी तक भी ये पोलन ग्रेन्स नहीं बने। तो अब इनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी जिसके बाद ये बन जाएंगे पोलन ग्रेन्स या फिर मेल गैमेटोफाइट्स। ये कैसे होता है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे और एक ड्राइंग का सहारा लेते हैं। यहाँ पे ये टेपिटम वंस अगेन, और टेपिटम के अंदर हैं बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स, लेकिन यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर को मैं ड्रॉ करता हूँ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि माइक्रोस्पोर्स में कौन चेंज आती है और वो फिर बन जाता है एक पोलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर पहले करता क्या है, वॉल सिक्रीट करता है, और इस वॉल को हम बोलते हैं इंटाइन। ना ही नहीं, इसके साथ साथ जो टेपिटल लेयर है यहाँ से भी कुछ सिक्रीशन मिल जाती है इसे, और ये सिक्रीशन होती है स्पोरोपोलिनिन की। तो यहाँ से और एक लेयर इस पे जुड़ जाता है एंड वी कॉल दिस लेयर एज एक्सन। यहाँ पे इस पे दो लेयर चढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट बन जाता है टू एनवायरमेंटल एंड अदर स्ट्रेसेस। तो अब इन दो वॉल्स की वजह से अब ये माइक्रोस्पोर नहीं रहा बल्कि ये बन गया एक पोलन ग्रेन। चलिए इस पोलन ग्रेन को अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो अब पोलन ग्रेन में क्या होता है, यहाँ पे दो माइटोस होते हैं। पहले माइटोस से एक छोटी सेल बन जाती है और एक बड़ी सेल बन जाती है। जो बड़ी सेल होती है वी कॉल दैट ट्यूब सेल, जो पोलिनेशन के बाद एक पोलन ट्यूब बनाती है। कैसे बनाती है वो हम आगे देखेंगे। और एक छोटी सेल जो होती है यहाँ से, उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में और एक माइटोसिस होती है जिससे बन जाते हैं दो स्पर्म्स। तो बन गए दो गैमेट्स एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पोलन ग्रेन एज मेल गैमेटोफाइट। तो या तो दो सेल स्टेज पे या फिर तीन सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। वो कैसे रिलीज होते हैं, यहाँ पे यूजुअली यहाँ इन नॉट्स पे प्रेशर डेवलप होता है, कुछ टेंशन डेवलप होता है जिससे डिहाइस हो जाता है एंथर, और जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बन जाते हैं बाय द मैचुरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स वो यहाँ से रिलीज होते हैं और फिर होती है इसके आगे पोलिनेशन। दिस वॉज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।